सड़क सुरक्षा की बातें हम जन जन तक पहुंचाएंगे। अरे फोन करे मन दिन में दूसरा होता है आयताकार में होता है, वो होता है सूचनात्मक, जिसमें हमें ये पता लगता है कि आगे क्या सूचना है। सूचना मिलती है उससे कि यहाँ आगे पेट्रोल पंप है या जो भी कोई सूचना संबंधित होता है। और तीसरा होता है आदेशात्मक, जो वृत्त में होता है, गोले में होता है, उसमें स्पीड संबंधित मान लो या जो भी, अगर आप इसको फॉलो नहीं करोगे तो आपका चालान होगा। सबके लिए जब निकाल कर आपने एक सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाने के लिए जागृति, अगर हम समय समय पर करते रहे तो इससे हमको बहुत सारे बेनिफिट मिलते हैं। गाँव में देखें कि कुछ लोग कहते हैं यार भाई हेलमेट से क्या होता है, सीट बेल्ट नहीं लगाएंगे, कुछ छोटी छोटी लापरवाहियाँ होती हैं। अगर मान लो हम जन जागृति करते हैं, 10 बार करेंगे, 15 बार करेंगे, तो आदमी के धीरे धीरे दिमाग में बैठता है कि यार सच में ही हो रहे हैं और कई मौतें हो रही हैं। अब ये सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है मृत्यु में, तो सड़क से या दुर्घटना, चाहे कोई सी भी दुर्घटना हो, तो बोलते रहेंगे कहते रहेंगे तो हो सकता है कि आज नहीं तो कल वो अपनी बातें सुन। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने मुझे यहाँ पे बुलाया। उसके लिए सभी पदाधिकारियों को, सभी हमारे ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपको बता ही दिया था, क्योंकि ज़्यादा रूल्स को इन्हीं को पता है और बाकी मुझे तो छोटे छोटे रूल्स हैं उनको मैं बता ही देता हूँ। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको, तो आपने ये काम किया और मुझे आशा है कि आप हमेशा इससे जुड़े रहोगे और समय समय पर प्रचारित करते रहोगे। धन्यवाद। Let's go. धन्यवाद पदमन जी। अगले उद्बोधन के लिए मैं निवेदन करूंगा अशोक जांगर जी से कि वे आए और दो शब्द हमारे रोबोट इंजीनियर के लिए बताएं। श्रीमान अशोक जांगर जी। हेलो। आदरणीय मंच पर हमारे अतिथिगण एवं छात्र छात्राओं को सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये सड़क सुरक्षा अभियान का जो प्रोग्राम रखा, ये बहुत ही अच्छा है और इसके लिए आप जागरूक हो रहे हो, ये बहुत ही अच्छी बात है। सड़क सुरक्षा अभियान पे मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हजारों मौतें सड़क को लेकर, दुर्घटनाओं को लेकर हमारे देश में या अन्य देशों में होती हैं। अगर इस चीज़ का आंकड़ा अगर संगठन के द्वारा रिपोर्ट निकाले तो 12.5 लाख मौतें हमारे सड़क अभियान के द्वारा पूरे हमारे
वर्ल्ड में होती है, जिसमें भारत का आंकड़ा 10% है। तो सड़क सुरक्षा अभियान को लेकर जागरूक होना एक बहुत अच्छी पहल है, होना चाहिए। कभी भी हमें नशे में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। हमें जब भी यू टर्न लेते हैं तो पीछे सब आगे पीछे देख के गाड़ी साइड में लगा के यू टर्न करना चाहिए। सीट बेल्ट फॉलो करना चाहिए, हेलमेट का प्रयोग करना चाहिए, और अन्य और भी नियम हैं काफ़ी सारे जिनको फॉलो करके हमें चलना चाहिए। बाकी आज बहुत अच्छा दिन रहा है ये जो आपने प्रोग्राम रखा, बस इतना ही मैं कह के धन्यवाद देना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आज से एक वर्ष पहले मेरे बड़े भाई साहब ने हेलमेट तो लगा रखा था, शायद कल्पना कर सकते हैं कि उन्होंने हेलमेट लगा रखा था, लेकिन उन्होंने नीचे की बत्ती नहीं बांध रखी थी, जिसके कारण रोड एक्सीडेंट में यहीं से संभावित 100 मीटर की दूरी पे बड़े भाई साहब एक्सपायर हो गए थे। 11 तारीख को नाइट में 8 बजे एक्सीडेंट हुआ था और 15 तारीख को ट्रोमा हॉस्पिटल जयपुर में एक्सपायर हो गए। तो मैं एक ही शब्द कहना चाहूँगा कि जैसा हमारे परिवार के साथ हुआ है, उस छोटी सी भाई साहब की छोटी सी गलती के कारण हमारे परिवार के साथ जो दुखद घटना हुई, तो वो किसी भी परिवार के साथ दुखद घटना ना हो। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इस प्रोग्राम जो हमने किया है, ऐसे प्रोग्राम और भी करते हैं, लेकिन इस प्रोग्राम की थीम कहीं ना कहीं सड़क जागरूकता सप्ताह हम जब देख रहे थे तो उन्होंने मुझसे शेयर की कि इस तरह का जो है इंसिडेंट हमारे साथ हो चुका है एक वर्ष पहले। हमें खुशी है कि प्रोग्राम में जिन्हें हमने सही दिल से बुलाया था वे आए, जो हैं अतिथि वे भी हमारे एक बार ही जो है बुलाने पे उन्होंने हामी भरी इस प्रोग्राम के लिए। मैं आपको नीफा के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा। नीफा जो है एक सामाजिक संस्था, राष्ट्रीय और पूर्णतः भारतीय संस्था है, जो कि युवाओं के ऊपर काम करती है, युवाओं की जो कला है उसे निखार कर एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का कार्य नीफा करती है। छुपी प्रतिभा को जो है हम नीफा के जितने भी पदाधिकारी जुड़े हुए हैं इससे, और अभी भी हमारे साथ में बहुत से सदस्य इससे जुड़े हुए हैं, पूरे राजस्थान में ही है। और एक सड़क सुरक्षा का ही टॉपिक था जिसपे उन्होंने अपने वहाँ भी अपनी बात जो थी इनकी, जो आप इन्होंने बताया इंसिडेंट, वहाँ भी इन्होंने रखा था। तो इसके लिए हमारे जिसको फाउंडर हैं सामाजिक संस्था के, उन्होंने इस चीज़ को जो है बहुत बारीकी से लेते हुए ऐसे प्रोग्राम उन्होंने कहा कि आपको करने चाहिए, और उन्हीं के आदेश पे और हमारे माननीय जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सामाजिक संस्था के धर्मेंद्र प्रजापति जी, उनके सहयोग से, उनके गुड विशेष से हमने प्रोग्राम किया है। और सभी का धन्यवाद, आप सभी अतिथिगण हमारे बीच में आए और हमें अच्छे अच्छे आपने बातें सड़क सुरक्षा के प्रति बताई।